हेलो फ्रेंड, टुडे आई विल डिस्कस टीथ एंड गम। आज हम पढ़ेंगे टीथ के बारे में, कितने टाइप के होते हैं, बेबी में कितने टीथ होते हैं, अडल्ट में कितने टीथ होते हैं और इसका फंक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले देखेंगे हम इसका इंट्रोडक्शन। द टीथ आर द ऑर्गन ऑफ मास्टिकेशन और च्यूइंग। मतलब टीथ एक ऑर्गन है जिनका फंक्शन क्या होता है, चबाने का और स्वॉलो करने का, निगलने का खाना को। दे आर डिजाइन टू कट टीयर ग्रैंड इंजेस्टेड फूड सो दे कैन मिक्स द सलाइवा एंड देन स्वॉलो। मतलब ये कैसे डिजाइन होते हैं, जैसे कुछ टीथ क्या होते हैं, कटिंग का काम करते हैं, कुछ टीथ हमारे कटिंग का काम करते हैं, कुछ उसको टीयर तोड़ने का काम करते हैं और कुछ टीथ उसको ग्राइंड मिलाने का काम करते हैं फूड को। इसके बाद में क्या होता है कि उसमें सलाइवा मिक्स होता है, इसके बाद हमारा फूड, हम अपने फूड को सोलो करते निकलते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे सेट। सेट कितने होते हैं, सेट टू टाइप के होते हैं। एक तो टेम्परेरी होते हैं जो बेबी टीथ होते हैं, एक आपके परमानेंट टीथ होते हैं। बेबी टीथ कितने होते हैं, जिनको हम बेबी टीथ भी बोलते हैं, मिल्क टीथ भी बोलते हैं, उनकी नंबरिंग कितनी होती है, 20 होती है। ये जो होल्डिंग टैन टीथ, मतलब दो गम होते हैं, एक जो में आपके 10 टीथ मिलेंगे, 10 ऊपर मिलेंगे, 10 आपको नीचे मिलेंगे, ऐसा करके आपके 20 टीथ हो जाते हैं। तो एक जो के हम देखेंगे, चार इंसीजर होते हैं। स्ट्रक्चर में भी आप देख सकते हो कि इंसीजर कहाँ पे होते हैं, जो कटिंग का काम करते हैं, और दो कैनाइन होते हैं जो टीयरिंग तोड़ने का काम करते हैं, और चार होते हैं मोलर्स जो ग्राइंडिंग, जो फूड को ग्राइंड करते हैं। और जो ये टेम्परेरी टीथ है वो आफ्टर 6 मंथ से लेकर 24 मंथ तक ये निकलते हैं, यानी कि 6 महीने से निकलना स्टार्ट होते हैं और 24 मंथ तक ये निकल आते हैं। जो परमानेंट टीथ होते हैं वो आपको 6 साल बाद निकलेंगे। इसके बाद हम देखेंगे परमानेंट टीथ जो आपके 32 होते हैं नंबरिंग में, 32 परमानेंट टीथ एंड 16 इन ईच जो, मतलब 16 अपर वाले जॉब में होते हैं और 16 लोअर वाले जॉ में होते हैं। कितनी नंबरिंग होती है, 4 आपके इंसीजर होते हैं जो कटिंग का काम करते हैं, 2 आपके कैनाइन होते हैं और 4 आपके प्री मोलर होते हैं, 6 आपके मोलर होते हैं। और आपके थर्ड मोलर होते हैं जो विजडम टीथ होता है ना, उसको हम थर्ड मोलर बोलेंगे। अब इसका हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि टीथ होते कैसे हैं। देखो जो मोलर होता है वो इस टाइप का होता है, ये इस, और प्री मोलर इस टाइप का होता है, और कैनाइन ये वाला टीथ होता है, और इंसीजन ये वाला। आप स्ट्रक्चर में भी बहुत अच्छे से देख सकते हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ टीथ की, कि टीथ का स्ट्रक्चर कैसा होता है। इट कंसिस्ट ऑफ द सम 3 पार्ट्स। टीथ के 3 पार्ट होते हैं, रूट, क्रॉन, नेक। ठीक है, नेक को हम सर्विक्स भी बोलते हैं। अब हम देखेंगे रूट वाला पार्ट जो है वो कौन सा होता है। आप ये देख सकते हो, ये आपका रूट वाला पार्ट है जो आपको, मतलब गम के नीचे होता है, उसको हम रूट बोलेंगे, नेक बोलेंगे। जो आपने देखा होगा जहाँ से हमारा दांत निकलता है, जहाँ पे गम होता है उसको सपोर्ट किए रहता है, उस जगह को बोलेंगे नेक। और जो वाइट वाला पार्ट है जो हमें ऊपर दिखता है उसको हम बोलेंगे क्राउन। तो ये आपके हो गए टीथ के पार्ट। ठीक है, रूट, नेक, क्राउन। अब हम देखेंगे कंपोजिशन ऑफ टीथ, कि टीथ किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। पहला होता है इनेमल, डेंटाइन, पल्प और सीमेंटम। ये आप स्ट्रक्चर में भी देख सकते हो कि इनेमल कहाँ होता है, डेंटाइन कहाँ होता है, पल्प क्या होता है। अब इसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहले हम देखेंगे इनेमल, द हार्डेस्ट वाइट आउटर पार्ट ऑफ द टीथ कवरिंग द क्राउन। मतलब कि सबसे ये हार्डेस्ट पार्ट होता है, जो हमारा आउटर पार्ट है, जो हमको दिख रहा है कि ये हमारा टीथ है, उसको इनेमल बोलेंगे। जो मैं, और ये किससे कवर होता है, क्राउन से कवर होता है। मोस्टली ये मेड ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट,
और टीथ आपका किससे बना होता है, कैल्शियम से बना होता है और फॉस्फेट से बना होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा ये हार्डेस्ट होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डेंटाइन की। डेंटाइन की बात करेंगे, इसमें लिखेंगे ए लेयर अंडरलाइन द इनेमल, इट इज़ हार्डेस्ट देन बन बिकॉज इट हायर कंटेंट्स ऑफ कैल्शियम सेट। मतलब कि ये डेंटाइन कहाँ होता है, लेयर ऑफ अंडरलाइन द इनेमल, जो मैंने आपको बताया कि इनेमल बाहर वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है उसके अंदर एक होता है, उसको हम डेंटाइन बोलेंगे। स्ट्रक्चर में भी मैंने स्ट्रक्चर लगा दिया है, आप देख सकते हो उसमें हायर कंटेंट ऑफ कैल्शियम, और यहाँ पे ये बहुत हार्डेस्ट होता है क्योंकि यहाँ पे कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है। वेन द इनेमल इज डैमेज हीट कॉल्ड दैन इंटर इन द टीथ कॉल्ड सेंसिटिविटी एंड पेन। कुछ लोगों को क्या होता है, पेन होता है सेंसिटिव, उनको जैसे ठंडा पानी पिया तो उनको पेन हो रहा है, गर्म पानी पिया तो पेन हो रहा है, वहाँ पे सेंसिटिविटी हो जाती है। तो वहाँ पे जो ये डेनाइन वाला पार्ट है यही वहाँ पे डैमेज हो जाता है, इसलिए हमें वहाँ पे पेन और सेंसिटिविटी होने लगती है। डेंटाइन होता कहाँ है, इनेमल के नीचे। इनेमल कहाँ होता है, जो आपका ये वाइट वाला पार्ट दिखता है। नेक्स्ट हम स्ट्रक्चर देखेंगे पल्प, पल्प कहाँ होता है, डेंटाइन इनक्लोज द पल्प कैविटी। मतलब पल्प डेंटाइन के आबाद में, मतलब पल्प कैविटी एक कैविटी टाइप में होती है दांत में अंदर, उसको हम पल्प बोलते हैं। कंटेनिंग ब्लड वेसल्स, यहाँ पे आपको ब्लड वेसल मिल जाएंगी और आपको यहाँ पे नर्व्स मिल जाएंगे, लिम्फैटिक वेसल्स भी यहाँ पे, मतलब आपका जो ब्लड वेसल्स हैं नर्व्स वगैरह हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी पल्प में कैविटी। पल्प कैविटी आल्सो कॉल्ड रूट कैनाल, पल्प कैविटी को हम रूट कैनाल भी बोल सकते हैं। सीमेंटम कहाँ होता है, सीमेंटम इज़ द बोन लाइक, मतलब सीमेंटम क्या, बोन लाइक एक स्ट्रक्चर होता है कवरिंग ऑफ द नेक एंड रूट, जो नेक और रूट को कवर करके रखता है, उसको हम बोलेंगे सीमेंटम। आप स्ट्रक्चर में भी देख सकते हो। नेक्स्ट हम देखेंगे गम एंड जेंजिवा, गम को हम जेंजिवा भी बोल सकते हैं, थोड़ा इसके बारे में भी देख सकते हैं। ईच गम आल्सो टू पार्ट्स, हर एक गम्स के दो पार्ट होते हैं, एक होता है फ्री पार्ट सराउंडेड नेक ऑफ द टीथ लाइक ए कॉलर, जो आपने देखा होगा जहाँ से हमारा टीथ सपोर्ट करता है गम को, जहाँ से गम मतलब टीथ को होल्ड किए होता है, जहाँ से दिखता है टीथ, उसको हम फ्री पार्ट बोलेंगे। लाइक कॉलर मतलब वहाँ पे वो टीथ को होल्ड किए रहता है, नेक होता है टीथ का। अटैच पार्ट, अटैच पार्ट मतलब एक फ्री पार्ट हो गया एक अटैच पार्ट। फिक्स्ड द एल्वियर आर्क ऑफ जॉ, मतलब जहाँ से जहाँ पे जॉ से वो मतलब अटैच होता है, फिक्स होता है। गम इज अटैच टू द सीमेंट इंसाइड ऑफ द इनेमल, जो गम है वो अटैच रहता है सीमेंट, सीमेंट मतलब सीमेंटम, जो भी मैंने पढ़ा था। तो ये हमारा हो गया था टीथ का कंप्लीट टॉपिक। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब फॉर मोर कंटेंट।